बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैम अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ या अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहा हूँ या कोई वीडियो देख रहा हूँ या किसी और को देख लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, तो मेरे लिंग से चिपचिपा पानी आने लगता है, क्या ये कोई प्रॉब्लम है? क्या इसकी वजह से कोई कमजोरी शुरू हो जाती है? क्या इसकी वजह से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है? क्या करना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए? मैं डिटेल में बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की मेरी कोशिश है। आज मैं बात करूंगी वो चिपचिपा पानी आना जिससे आपको कमजोरी लगती है, थकावट लगती है, कितनी सच्चाई है उसके अंदर। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, मुझे पता है आप देखने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे चिपचिपा पानी आने की। सबसे पहले समझें कि जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो खाना बहुत ही एक्साइटिंग सा हो या बहुत ही मेरी पसंद का हो तो डेफिनेटली हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है, मतलब हमारी थूक बननी शुरू हो जाती है। सिमिलरली हमारी पूरी बॉडी हार्मोनल सिस्टम पे चलती है। जब आप सेक्स से रिलेटेड आपको कोई चीज़ लुभाती है या आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं, सिमिलरली हमारे जो ग्लैंड हैं तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा चिपचिपा पानी सब प्रोड्यूस करने लगेंगे। वो ग्लैंड होता है हमारा कूपर्स ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे कहीं भी हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि के पास होता है और जैसे कुदरत ने पेनिस को बनाया है कि आपका यूरिन और आपके स्पर्म और जो ग्लैंड्स में से निकला हुआ स्रावण है वो सब एक ही छेद से निकलता है जो कि आपके पेनिस के आउटर ओपनिंग है। अब क्या होता है कि मान लो आपका सिमेन निकलना हो तो वो सिमेन की जो वो स्टार्टिंग है वो आपका प्री कम है, मतलब वो चिपचिपा पानी है। इसके अंदर स्पर्म नहीं होते, मतलब शुक्राणु नहीं होते। ये होता है आपका सिमेन और सिमेन में शुक्राणु मर ना जाए क्योंकि आपका जो यूरिन है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है और निकलने का जो छेद है वो एक ही है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं स्ट्रांग रखने के लिए या स्पर्म आपके फीमेल की योनि तक पहुंच पाए, इसलिए इन सिक्रीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोरओवर ये जो चिपचिपा पानी है या सिक्रीशन है, जब आप सेक्स करते हैं ल्यूब्रिकेशन का काम भी करता है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसकी वजह से मुझे कमजोरी आती है, बहुत लोग आते हैं, मां मेरे को कमजोरी हो रही है, मैं चल नहीं पा रहा, मैं अब सेक्स ही नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा टाइम बहुत जल्दी कम हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। प्री कम का आपकी कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सिमेन नहीं है, ये एक ग्लैंड का डिस्चार्ज है जो कि बहुत जरूरी है। अगर अब मैं बात करूं कि मैम मुझे रेगुलर हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, दिन में एक दो बार हो रहा है, दोनों में फर्क क्या है कि जो आपका डिस्चार्ज है वो होता है कम से कम 40 से 50 बूंद, लेकिन जो आपका ये प्री कम है ये 4 से 5 बूंद हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जितनी देर बात करते रहें उतनी देर ये 4 से 5 बूंद 2 से 3 बार निकल जाए, लेकिन जब आप सेक्सुअल थॉट्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सेक्स में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी अगर आपको रेगुलरली और दिन भर ये प्री कम मतलब चिपचिपा पानी निकलता रहे तो यहाँ चिंता का विषय है। क्यों चिंता करनी है? कि हो सकता है आपकी जो प्रोस्टेट ग्रंथि हो उसमें कोई नस डैमेज हो गई हो, किसी न किसी तरीके की सूजन आ गई है अंदर की किसी ग्रंथि में, या फिर आपके टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसको ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको लगता है बिना सेक्सुअल थॉट्स के भी निकलता रहता है तो गड़बड़ है। दूसरा, अगर आपको लगता है मेरे सेक्सुअल थॉट्स हैं ही इतने ज़्यादा कि जब जब भी मैं सेक्स के बारे में सोचता हूँ, जो मैं दिन में बहुत बार सोचता रहता हूँ, तो मुझे प्री कम निकल रहा है, तो प्लीज़ कहीं ना कहीं थेरेपीज लीजिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपनी जो ये सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं उनको थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़ जो समझनी है वो है दवाइयाँ। बहुत बार दवाइयाँ कुछ ऐसी चल रही होती हैं जिसकी वजह से प्री कम बहुत बार निकलता रहता है, तो ऐसी जो दवाइयाँ हैं उनको कहीं ना कहीं पकड़िए और रोकने की कोशिश करिए। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्री कम को लोग क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं अर्ली इजैकुलेशन से, कि मेरा प्री कम हो रहा है इसका मतलब मेरा टाइम ही नहीं है, तो निकल ही गया, ये तो अब बचेगा ही नहीं। नो, दोनों में डिफरेंस है। और अर्ली इजैकुलेशन मतलब प्री मैच्योर इजैकुलेशन और आपका प्रीकम दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने एक से मास्टरबेट किया है, कहीं ना कहीं आपके अंदर की कोई डैमेज हो गई है, नसों की कोई कमजोरी है, तो आपको प्रीकम के लिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली लड़कों के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट का इशू रहता है। मे बी आप किसी से बात कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, आपने किसी को देखा और ऐसा हो गया, तो ऑब्वियसली मेल्स बहुत एम्बैरेसिंग फील करते हैं, सो
सोशल सिचुएशंस में, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। एक और चीज़ जो आपको समझनी है वो है सीमेन लीकेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप कीगल्स एक्सरसाइज करें। यूरिन कीगल एक्सरसाइज या फिर कीगल ब्रिज बहुत हेल्प करता है आपके प्रीकम को बैलेंस करने में, और प्रीकम निकलना आपको कभी भी किसी भी तरीके की कमजोरी नहीं दे सकता। तो आज ही स्मिथ को तोड़ें और काम करें, समझें कि मुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और ये नहीं सोचना कि हाय मैं तो कैसे ही फील कर रहा हूँ और मैं तो नुकसान हो रहा है। थोड़े से अपने सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करें, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, लड़कियों को भी होता है, सबको हो सकता है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी और वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक चैनल पे नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और डॉक्टर नेहा मेहता इंग्लिश चैनल, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपका कोई टॉपिक है उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। पर्सनलाइज कंसल्टेशन के लिए www.drnehamehta.com।